पेरेंट टीचर लोग अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑनलाइन क्लास आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे और आपके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे ओके जी हम अपनी आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं टुडे इज वेनसडे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास ऑफ द डे विच इज़ इंग्लिश क्लास विच क्लास इंग्लिश क्लास आप जब क्लास शुरू कर रहे होते हैं बेटा यू शुड नो कि आपकी कौन सी क्लास है ठीक है दैट्स योर इंग्लिश क्लास ठीक है सो कीप इट इन योर माइंड दैट इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड यू आर गोइंग टू डू योर वर्क ऑन वर्क बुक टूडे योर वर्क विल बी ऑन द वर्क बुक सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर वर्क बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 2 चलें जी ओके बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सम अबाउट समथिंग आपने अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड अगर नहीं सुन रहे तो प्लीज़ सारे बच्चे अपने मामा बाबा को ज़रा अपने पास बुला लें मामा को सिर्फ बुला लें मैंने आप सबसे ये कहना था कि जब आप लोगों का बच्चा काम कर रहा होगा लाइक राइटिंग का काम कर रहा है या रीडिंग का कर रहा है जैसे कि आज राइटिंग के ही काम होंगे इंशाल्लाह तो आपने अपने बच्चे की एक अच्छी सी पिक्चर लेनी है ठीक है जब वो राइटिंग कर रहे होंगे तब लेकिन बच्चा आपकी तरफ पिक्चर में ना देखे बच्चा अपने काम में बिजी हो और आपने उसकी पिक्चर ले लेनी है जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर स्कूल एक्टिविटीज़ में हम भी लेते हैं बच्चा बिजी हुआ होता है अपने एक्टिविटी में और हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं आपने इसी तरह एक अच्छी सी पिक्चर लेनी है बच्चे को ठीक से बिठा दें और बस वो जब काम अभी कर रहा हो तो आपने एक ही पिक्चर बस अच्छी सी कैप्चर कर लें और वो पिक्चर आपने फिर भेजनी है ठीक है ग्रुप में जो आप एडमिन्स के नंबर देख लें उसमें आप लोग जो है टीचर को बेशक भेज दें या कोऑर्डिनेटर को पिक्चर भिजवा दें टीचर्स में दो टीचर्स हैं एक मैम खजरान है एक मैम मदीहा है एंड कोऑर्डिनेटर इज़ मैम कायनात तो तीनों में से आप किसी को भी पिक्चर भिजवा दें आज ही भिजवा देनी है आपने आफ्टर दिस क्लास या फिर आफ्टर 3 क्लासेस आपने पिक्चर मस्ट भेजनी है ठीक है समझ आ गई है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपने क्या करना है कि जब बच्चा काम में बिज़ी होगा एक अच्छी सी उसकी पिक्चर लेनी है बैकग्राउंड भी अच्छा आना चाहिए मतलब अच्छे से मुराद ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप मतलब उसे कोई स्पेशल जगह पे ले जाए कोई बात नहीं जहाँ वो बैठा हुआ है बस वहीं पे ही पिक्चर ले लें उसकी ठीक है बच्चा जब काम में बिजी हो और फिर उसके बाद आपने वो पिक्चर हमें आज भेज देनी है सही हो गया जी थैंक यू अच्छा जी टेक आउट योर बुक्स अपनी बुक्स निकाल लें वर्क बुक पेज नंबर 2 दिस इज़ वर्क बुक पेज नंबर 2 और सबसे पहले डेट एंड डे हम ऊपर लिखेंगे आपने भी डेट एंड डे लिखनी है मैं रोज़ कहती हूँ खुद लिखनी है तो खुद लिख लें या तो अपनी मम्मा से लिखवा लें क्लास में तो हम आपको खुद ही लिखवाएंगे इंशाल्लाह जब आप आएंगे ओके डेट एंड डे डन दिस इज योर पेज नंबर 2 ऑफ वर्कबुक में बार बार इसलिए पेज नंबर 2 वर्कबुक बोल रही हूँ ताकि अगर कोई साथ साथ क्लास में इंटर हो रहा है तो उनको भी पता हो अच्छा जी इसके अलावा जब मैं लिंक भेजती हूँ तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं पेज नंबर या टॉपिक वगैरह मेंशन ज़रूर करती हूँ तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कौन सी क्लास है हमारी ये बच्चों हमारी ये इंग्लिश की क्लास है अच्छा जी सबसे पहले वी विल रिपीट वॉवल्स वॉवल्स को हम रिपीट करेंगे ए मेरे साथ साथ पढ़ें ए आई ए ई आई ओ U. How many vowels do we have? We have 5 vowels. How many? 5 vowels. Repeat it with me again. A, E, I, O, U. ये दोबारा से vowels पढ़ते हैं उस sound के साथ. A, 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 apple. आप बोलते हैं ना apple.
ए थोड़ा सा आपने जोर देकर पढ़ना है ई को, ई ए, जैसे एग टूट जाता है। आपको वो नर्सरी में भी मैम ने एक्शन के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ई ए आई ई, आई का साउंड आपने अपने दोनों होंठों अपने मुंह को इस तरह से स्ट्रेच करके पढ़ना है, ई आई ई। अच्छा जी, इसके बाद है ओ आ, ओ आ, यू आ, सिंपल आ आ, ए ई आई ओ यू। वी हैव फाइव वॉवल्स। फाइव वॉवल्स क्यों हैं? छोटी वाली जो स्टोरी उस दिन सुनाई थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, शॉर्टली मैं बता रही हूँ कि ये वो फाइव अल्फ़ाबेट्स थे ए ई आई ओ यू, जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी थे। इनको अपनी ए बी सी से फिर निकाल कर इनका इन्होंने एक अपना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम इन्होंने वॉवल रखा और उस ग्रुप में पांच ही दोस्त थे ए ई आई ओ यू। इनके ग्रुप का नाम था वॉवल्स और फिर इनके साथ आकर दोस्ती कर ली थी ए एन एन ने। किसने कर ली थी? ए एन एन ने। पांच फ्रेंड्स थे ए ई आई ओ यू और इनके ग्रुप का नाम था वॉवल्स, सही। अच्छा फिर इन लोग, ये तो सिर्फ ए ई आई ओ यू पांच ही दोस्त थे, इनके साथ आकर दोस्ती किसने की? ए एन एन ने। किसने? ए एन एन ने। ये ए एन एन जो थे ये इनको हर प्रॉब्लम से बचाते थे, इसीलिए जहाँ जहाँ वॉवल्स लिखा, जहाँ जहाँ ए ई आई ओ यू आते थे उनके साथ ए एन एन भी आ जाते थे, उनके फ्रेंड थे ना, उनकी हिफाजत के लिए आते थे। समझ आ गई? अच्छा जी, नाउ लुक एट योर बुक। चलें, सबसे पहले जब बेटा आप कोई भी काम करते हैं, हम ऊपर सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या कह रहे हैं वो, ठीक है। सो टॉपिक नेम इज वॉवल्स एंड क्वेश्चन इज इन सर्कल द वॉवल्स इन द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एट वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स में वॉवल छुपे हुए हैं। आपको पता है ना कि वॉवल कितने नॉटी थे, वो तो कभी दरमियान में छुपते थे, कभी एंड पे चले जाते थे, कभी शुरू में आ जाते थे। तो यहाँ पे जो छुपे हुए वॉवल्स हैं ना, उनको हमने सर्कल करना है। हम उनको ज़रा बाहर निकालते हैं क्योंकि वो वर्ड्स के अंदर चले गए हैं और शैतानियाँ कर रहे हैं। तो चले उनको हम इन सर्कल करते हैं, खैर है उनको हम बाकी वर्ड्स के साथ ही रखेंगे, लेकिन ज़रा उनको हम ढूंढेंगे कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वर्ड इज एच ए डबल पी वाई। क्या लफ्ज़ बन गया? हैप्पी। क्या वर्ड बन गया? हैप्पी। हैप्पी का मतलब है खुश। क्या मतलब है हैप्पी का? खुश। हम कहते हैं ना बी हैप्पी, खुश रहो, ठीक है ना, हैप्पी हैप्पी रहा करें, खुश खुश रहा करें। तो हैप्पी इज अ वर्ड और इसका मतलब है खुश। हैप्पी में वॉवल ढूंढते हैं, चलें। एच, नो एच इज नॉट वॉवल। ए, यस ए इज वॉवल। ए ई आई ओ यू फाइव वॉवल्स थे, ए सबसे पहला वॉवल है, तो हम ए को कर देंगे खूबसूरत सा सर्कल। सी, अच्छा ये जो बच्चे नीट नीट काम नहीं करते ना, ये तो बहुत गंदी बात है। आपने नीट काम करना है ताकि आपकी कॉपीज अच्छी लगें, आपकी बुक्स खूबसूरत लगें। मैं देखूं और बस मैं स्टार दे दूं। अनटाइडी काम आपने नहीं करना, ओके, चाहे वो राइटिंग का हो, सर्कल का हो, जो भी काम हो वो बहुत प्यारा हुआ हो, आराम से किया करें। मुझे पता है ये क्लास बहुत शॉर्ट होती है, आपके पास टाइम भी कम होता है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे काम को देखकर स्क्रीनशॉट लिया करें और बाद में आराम से नीट नीट कर लिया करें, लेकिन इस वक्त आप सीखें कि मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। द सेकेंड वर्ड इज ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल। वॉट इज ईगल? ईगल इज अ बर्ड। ईगल इज अ बर्ड, ये एक परिंदा है जो कि सब परिंदा परिंदों से बड़ा है और ये परिंदों में किंग है, ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है, ओकाब जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा ये डेंजरस भी होता है, ये बाकी परिंदों को भी खा सकता है, ये इतना मतलब डेंजरस है। आप लोग मम्मा से कहना कि आज आपको ज़रा ईगल की पिक्चर दिखा दें नेट पे, ठीक है। सो ईगल इज़ अ बर्ड। ईगल क्या है?
बर्ड है और ईगल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड है, ये इंटेलिजेंट भी बहुत है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और ब्रेव है, मतलब ये बहुत ताकतवर भी है, बहुत ज़्यादा बहादुर बर्ड है, ब्रेव है, ठीक है। तो ईगल इज़ अ बर्ड और ईगल में आप देखते हैं कि कौन कौन से वॉवल छिपे हुए हैं, ई, ई भी देखें वॉवल है ना, फिर ए, फिर जी और एल वॉवल तो नहीं है लेकिन ई, तो यहाँ पर तीन नॉटी वॉवल्स थे, पहले वाले में वन था और इसमें थ्री थे। नाउ लुक एट दिस आइसक्रीम, अब सब बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा क्योंकि उन्होंने आइसक्रीम का नाम सुन लिया है। आइसक्रीम जो है ये हम सब शौक से खाते हैं और अब तो समर सीज़न है, समर सीज़न में तो हम ज़्यादा शौक से खाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है कि आपने बाहर जाना और आइसक्रीम लेनी है, अभी हालात ठीक नहीं है, मामा से कहें आपको घर पे ही बना दें, ठीक है। सो अब ये है हमारे पास आइसक्रीम और आइसक्रीम में हम ढूंढेंगे वॉवल्स। आई, यस, आई इज़ अ वॉवल, ए सॉरी ई, ई इज़ अ वॉवल, देन वी हैव ई अगेन एंड ए, सी, यहाँ हमारे पास फोर वॉवल्स निकल आए। देन बुक, बुक का तो आपको पता है किताब को कहते हैं, बी डबल ओ के, बुक, किताब जो आपके पास है, जो आपके हाथ में इस वक्त पकड़ी है, दिस इज अ बुक, और बुक के स्पेलिंग में हमारे पास टू वॉवल्स हैं, ओ, ए ई आई ओ यू, तो ओ भी वॉवल है। देन वी हैव अनियन, अनियन किसको बोलते हैं, अच्छा बहुत से लोग इसको ओनियन बोलते हैं, इट्स नॉट ओनियन, इट्स अ नियन, अ नियन, अनियन, अनियन हम कहते हैं प्याज को, ठीक है, वो जो सब्जी होती है जो खाने में भी डलती है, सैलेड में भी मामा रखती हैं, इट्स पर्पल इन कलर, ओके। सो अनियन में हम देखते हैं वॉवल्स ए ई आई ओ यू, तो ओ भी है, आई भी है और फिर ओ है। We have three vowels in this word. Then we have counting. Counting किसे कहते हैं, गिनती को, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो आप 20 तक या 100 तक या 100 से भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो जो ये counting है ये इसके spelling है counting, और counting में हमारे पास कितने vowels हैं, let's see, O, अब तो आपको समझ भी आ गई होगी, आप खुद ढूंढ रहे होंगे मुझे पता है, आई, थ्री वॉवल्स थे हमारे पास, ओके। देन वी हैव पर्पल, स्पेलिंग्स ऑफ पर्पल, पर्पल इज अ कलर, पर्पल एक कलर को कहते हैं, सी दिस टेबल इज पर्पल इन कलर, ये पर्पल कलर है, ओके। चले जी वॉवल्स इन सर्कल करते हैं, यू एंड ई, वी हैव टू वॉवल इन दिस वर्ड। देन लास्ट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको पता है क्या होता है, लैपटॉप, कंप्यूटर आपके घर में होंगे, कंप्यूटर्स तो अब बहुत कम होते हैं, अब ज़्यादातर लोग लैपटॉप या फ़ोन ही, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बट कंप्यूटर जो है ये पहले पहले बहुत यूज़ होता था और अब भी कहीं कहीं पे ये होता है, ठीक है। कंप्यूटर में देखते हैं कितने वॉवल्स हैं, ओ, यू एंड ई, वी हैव थ्री वॉवल्स इन वर्ड कंप्यूटर। अच्छा जी ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ पेज, चलें आप इसकी ले लें जल्दी से स्क्रीनशॉट, अगर किसी पेरेंट ने लेनी है तो, किसी पेरेंट ने लेनी है तो प्लीज़ ले लें।